यहां पे देखो थ्री टू थ्री है ना तो सबसे अगर हम देखें एरे की साइज कितनी है तीन अगर एन बाई टू करेंगे तो कितनी हो जाएगी वन राइट right. तो एक से ज्यादा बार कौन कौन है यहाँ पे तीन है है ना तो तीन यहाँ पे रिटर्न हो गया अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखो एक तो बहुत सिंपल सा अप्रोच है इसका पहला सॉर्ट करके है ना अगर हम सॉर्ट कर दें ठीक है अपने नाम्स वाले एरे को ठीक है और बस हम चेक कर लें कि जो हमारा रिटर्न कर दो नम एरे में एन बाई टू पोजिशन पर जो है है ना ये ऑटोमेटिक आ जाएगा ये मैंने कोड ही लिख दिया वैसे तो अगर इस एक्ट्रो से भी करेंगे तो हम लिख सकते हैं एन को नम्स ऑफ डॉट लेंथ कर लेना है ना बाकी इससे हमारा काम हो जाएगा है ना क्योंकि उनने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि जिसकी ऑकरेंस एन बाई टू टाइम्स होगी तो अगर हम किसी भी आर्य को शॉर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स जो मिडिल एलिमेंट होगा मैक्सिम है कि वो यहीं पर आएगा एन बाई टू पर वो आ जाएगा है ना ऑलरेडी तो हम सीधा वहां से रिटर्न करा सकते हैं एक तो ये तरीका हो गया दूसरा क्या है मैं जो बताऊंगा वो होगा मैप है ना दोनों रन कर सकते हो ये ऑलरेडी कोड हो गया इसे सीधा लिख लेना ये तीन लाइन का ही है तो आ जाएगा बाकी एक मैप है मैप में हम क्या करेंगे ना ऑफकोर्स हम एक फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे है ना उसके बाद हम एन को चेंज कर देंगे एन बाई टू मतलब एक लूप हम लगा लेंगे जिसमें जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे जैसे वन टू थ्री फोर जितने भी एलिमेंट है सबको पहले मैप में डाल देंगे उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ कि वन हमारे पास एक बार है दो हमारे पास एक बार है यहाँ पे सपोज पास दो है तो दो हमारे पास दो बार है तीन एक बार है चार है है ना चार एक बार है इस तरीके से मैप में काउंट आ जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे ना एक हम चेक करेंगे कि जो भी हमारी वैल्यूज होगी ये ये अगर एन बाई टू से ग्रेटर होगी तो उस वाले पर्टिकुलर की को रिटर्न कर दो है ना तो यहाँ पे क्या है टू है तो टू रिटर्न हो जाएगा तो इस तरीके से तो चलो इसको कोड करते हैं सीधा कोड से इजी हो जाएगा सीधा समझने में तो हम एन लिख लेते हैं नम्स डॉट लेंथ और हमारा मैप वहां से इंटीजर टू इंटीजर है ना new hash map. ठीक hmm. है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स को पहले डाल देते हैं इक्वल टू जीरो और आई प्लस प्लस और मैप के अंदर पुट कर दो नाम्स ऑफ आई और गेट और डिफॉल्ट इससे हमारा मैप का काम हो जाएगा इससे हम हमारा map के अंदर सारे एलिमेंट्स हम डाल दिए ठीक है अब क्या करो एन को यहाँ पे एन बाई टू कर लो है ना और अब जो हमने मैप में डाला है, है ना तो मैप डॉट एंट्री इंटीजर यहाँ से हम रिट्रीव करेंगे है ना फॉरिज लूप है तो किसमें मैप के एंट्री सेट है ना अब उसकी जो वैल्यू होगी अगर ये बड़ी है एन से अब यहाँ पे एन हमारा ऑलरेडी एन बाय टू कर दिया है हमने है ना तो ये क्या होगा जो हमारी वैल्यूज वाली पेयर होगी है ना अगर वो एन बाई टू से ग्रेटर होगी तो क्या करो रिटर्न कर दो क्या उसकी की चाहिए ना हमें ये थोड़ी फ्रीक्वेंसी तो पूछा नहीं उसने बस पूछा है कि हमें उसकी की चाहिए तो गेट की कौन सा एलिमेंट है तो ये यहाँ से मिल जाएगा और फाइनली अगर नहीं मिला तो रिटर्न जीरो कर दो बस इतना सा ही था ये आई होप तो क्लियर होना चाहिए और इसमें अगर कोई डाउट है तो फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में बट मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इसमें डाउट्स होने चाहिए कहीं पे भी ठीक है तो बस यार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए कीप लानिंग सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो ठीक है टेक केयर बाय